हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज लेके आ चुका हूँ। मैंने पियानो का कोर्स एक क्रिएट करके रखा है, अगर आपको परचेस करना है, जिसमें मैंने बताया है कि पियानो में जो सारेगामा पधनी सब वो कैसे प्ले होता है, और खुद से कोई भी गाना, बॉलीवुड का कोई भी गाना खुद से कैसे प्ले करें, सो वो आपको सीखना है। तो मेरा पियानो कोर्स आपको चाहिए, सो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, वहां पे मुझे मैसेज कर दिया, वो मैं आपको कोर्स पूरे का पूरा आपको दे दूंगा। सो अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा न्यू सॉन्ग आ चुका है, गुजराती सॉन्ग जिसका नाम है हुकम के इक्के, और ये गमन सांथल का न्यू सॉन्ग है। सो इसको हम प्ले करने वाले हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हाँ, इसकी नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैं इसकी आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लाइन है, दो लाइन है, कुछ ऐसी प्ले होती है, ठीक है, ये पहले स्लो में देख लेते, ठीक है। फिर इसके बाद आगे प्ले होता है, ठीक है, स्लो में देख लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसे प्ले होता है। सो पूरे का पूरा आपने एक बार देख लिया, मैं एक बार दोनों के साथ में प्ले करता हूँ, देखो, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो आगे का पार्ट देख लेते हैं, वो कैसे प्ले होता है। सो जो हमने अभी तक प्ले किया वो आई थिंक जो गमन सांथल है वो अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में एक ही राग में डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में गा रहे हैं। सो कुछ रिपीट मतलब कुछ अलग नहीं आ रहा बजाने में, एक ही लाइन रिपीट हो रही है और एक ही राग में हो रही है। सो आई थिंक कोरस की लाइन तक आपको ये टोटल तीन बार, ये जो मैंने पूरा पार्ट जो मैंने प्ले किया वो आपको टोटल आपको ऐसे चार बार प्ले कर देना है, ठीक है। ये जो मैंने पार्ट आपको अभी सीखा है वो आपको टोटल चार बार ऐसे प्ले कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया है। अगर इसका फुल ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो मैं इसका फुल ट्यूटोरियल कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि ये फुल ट्यूटोरियल हमें चाहिए तो मैं इसका कर दूंगा, इसकी नोट्स चाहिए तो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, ठीक है। सो फिर चलो मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।